डॉक्टर संजय गुप्ता, आई एम अ जनरल सर्जन। आज हम बात करेंगे सिक्स बाथ के बारे में। अगर आप कोई भी पेरिनल डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कि एनल फिशर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिस्टुला या इवन पेरिनल एब्सेस, तो आपको आपके सर्जन ने सिक्स बाथ के लिए एडवाइस किया होगा। तो क्या है सिक्स बाथ एग्जैक्टली, कैसे करना है, व्हाट इज द राइट टेक्निक, कब करना है, कब तक करना है, ये सब आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिक्स बाथ इज बेसिकली जो हमारा पेरिनल एरिया है उसको सूथ करने का एक तरीका, जो वहाँ पे मसल्स आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्टेड है, एकदम टाइट हो गई है, उनको थोड़ा सा स्पैज़म को रिलीज करने का एक तरीका है। तो इसके लिए आपको एक टब देना है, बड़ा टब, जिसमें आप पूरे आराम से अपने हिप्स एरिया को डिप करके बैठ सके, या आपका जो नहाने वाला बाथ टब है उसको भी यूज कर सकते हैं। जो कमर्शियल टब्स आपको फार्मेसी में मिल जाते हैं फॉर सिक्स बाथ, दोस आर जनरली नॉट रिकमेंडेड। सो हाउ हॉट शुड द वाटर बी? शुड इट बी ल्यूकवार्म और शुड इट बी वेरी हॉट? सो इट शुड नॉट बी वेरी हॉट, इट शुड बी ल्यूकवार्म, बिकॉज़ ल्यूकवार्म वाटर से आपके एरिया को रिलैक्सेशन मिलेगी, सूदिंग इफेक्ट आएगा ल्यूकवार्म वाटर का। तो आप अपने टब को एटलीस्ट हाफ या टू थर्ड भर लीजिए पानी से। उसमें आप क्या डालेंगे, बीटाडीन सॉल्यूशन या डेटोल सॉल्यूशन, यू कैन यूज आइदर। बीटाडीन सॉल्यूशन आप दो कैप्सूल्स डाल सकते हैं, जो बीटाडीन सॉल्यूशन के ऊपर बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है, वो दो ढक्कन बीटाडीन सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं, या डेटॉल के आप 15 से 20 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, और उसमें आप 15 से 20 मिनट के लिए बैठ करके सिकाई करें। अब जो बैठने का तरीका है, द टेक्निक इज नॉट टू सिट स्ट्रेट इनसाइड द टब, यू हैव टू स्ट्रेट एट एन एंगल, जिससे कि आपका जो पेरिनल एरिया है वहां पर पूरा प्रेशर नहीं आए बैठने की वजह से, आपका बॉडी का वेट उस एरिया पे नहीं आए, तो थोड़ा सा एंगल पे बैठिए जिससे कि उसको रिलीफ मिले, थोड़ा सा वो सूदिंग इफेक्ट आए उसमें। कब करना चाहिए सिक्स बाथ? सो बेसिकली व्हेनेवर यू हैव पास्ड मोशन, उसके बाद तो सिक्स बाथ करना ही करना है। पर जब हमारी डिजीज अक्यूट फेज में होती है, जब ज्यादा परेशानी चल रही होती है, तब आप दिन में अप टू 3 टाइम्स भी करें तो बेस्ट है। धीरे धीरे जब हीलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको डिक्रीज करते हुए 2 टाइम्स कर सकते हैं। बट लेकिन आपको ये तब तक कंटिन्यू करना है जब तक उस एरिया में पूरी हीलिंग नहीं हो गई है। सिक्स बाथ अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो जो एरिया अभी नहीं हील हुआ है वहां पर जो मोशन जाने के बाद फीकल मैटर अटक जाता है वो अटका रहेगा, और उससे फिर से इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। तो जब तक कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाए सिक्स बाथ को कंटिन्यू कीजिए। एंड सिक्स बाथ करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि आपको उस एरिया को अच्छे से ड्राई करना है। अगर हम ड्राई नहीं करेंगे तो इतना वेटनेस के कारण आपको थोड़ा बहुत फंगल इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है उस एरिया में। तो बेस्ट है कि आप अच्छे से सिक्स बाथ के बाद उसको पेपर से या टॉवल से अच्छे से ड्राई करें। So this is the correct technique of doing the sitz bath. And to watch more informative videos regarding the perianal diseases and their treatments, please subscribe to our channel.